हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बेला बेबी हैप्पी डायपर पैंट्स के बारे में। फिलहाल ये डायपर मैं अपनी बेबी के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इस डायपर के साथ मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो अगर आप लोगों को इस डायपर के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आने पर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो ये है बेला हैप्पी बेबी डायपर पैंट्स। एक सिंपल वाइट कलर के पैकेजिंग में आता है, जैसा कि आप देख सकते हो सिंपल पैकेजिंग है वाइट कलर का। ये पैक का फ्रंट साइड है जहाँ पे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है बेला हैप्पी डायपर पैंट्स, और नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अंडरवेयर लाइक है, मतलब कि बिल्कुल पैंट की तरह दिखता है ये डायपर, और ये आप इजीली पहना सकते हो, इजीली उतार सकते हो, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि ये जो डायपर है वो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का है, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए एक्स्ट्रा लार्ज यूज़ कर रही हूँ अभी। मतलब कि जिन बेबीज़ का वेट 11 से 18 kg के बीच में है उन बेबीज़ के लिए आप ये डायपर यूज़ कर सकते हो। और इस डायपर में टोटल 22 डायपर पैंट्स है। तो ये है इस पैकेजिंग का फ्रंट साइड। अब आप लोगों को मैं बैक साइड दिखाती हूँ इस डायपर का। इस डायपर का बैक साइड में भी एज यूजुअल एक डायपर का डायग्राम है, और इस डायपर में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या खासियत है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये जो डायपर है वो बिल्कुल परफ्यूम, क्लोरीन और लैटेक्स फ्री है, और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल ये है इस डायपर का पैकेजिंग। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये डायपर कैसा है। तो ये है बेला हैप्पी बेबी डायपर पैंट्स। देख सकते हो कितना कलरफुल है और बिल्कुल अंडरवेयर लाइक है, जैसा कि पैक में मेंशन किया गया है। आप देख सकते हो ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। ऐसा कुछ लिखा नहीं है, यूजुअली डायपर्स में लिखा हुआ होता है फ्रंट या बैक, बट इसमें नहीं लिखा है। बट आप देख के ही समझ जाओगे, जो फ्रंट साइड है उसमें वहाँ पे हैप्पी लिखा हुआ है फ्रंट साइड में, और डायपर के बैक साइड में एक डिस्पोजेबल टेप लगा हुआ है। तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। अगर मटेरियल की बात करें तो इस डायपर की मटेरियल बिल्कुल कॉटनी सॉफ्ट है, सॉफ्ट ही बोलेंगे, कॉटनी सॉफ्ट बोलेंगे इसको। अगर वेस्ट एरिया की बात करें तो आप देख सकते हो कि वेस्ट एरिया काफ़ी स्ट्रेचेबल है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है और काफ़ी सॉफ्ट भी है। बच्चे को आप इजीली पहना सकते हो। मेरी बेटी के कमर में दाग नहीं होता है क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, तो कमर में दाग होने का सवाल नहीं होता है। अगर थाई एरिया की बात करें तो थाई एरिया भी काफ़ी स्ट्रेचेबल है और डबल लीक प्रोटेक्शन भी है, तो लीक भी नहीं होता है, और थाई एरिया में भी दाग होने का सवाल नहीं होता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट भी है और काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है। बच्चे को आप इजीली पहना सकते हो। और सेम वेस्ट एरिया भी बहुत सॉफ्ट है। मटेरियल जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल कॉटनी सॉफ्ट मटेरियल है, तो मटेरियल भी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। ये डायपर काफ़ी लाइट वेट है, आप देख सकते हो काफ़ी लाइट वेट है ये डायपर, बिल्कुल पतला सा है, तो खास करके समर के लिए ये डायपर काफ़ी अच्छी होगी, और बेबीज़ के पैंट के नीचे, कपड़े के नीचे पहनाने के लिए ये डायपर काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप बेबी के डायपर के ऊपर पैंट वगैरह पहनाते हो तो उसके लिए भी ये डायपर काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि बिल्कुल पतला है और बिल्कुल लाइट वेट है। इस डायपर में कोई वेटनेस इंडिकेटर नहीं है जैसा कि आप देख सकते हो, बट आजकल ब्रांड्स में, ज़्यादातर ब्रांड्स में आपको वेटनेस इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, बट इसमें कोई वेटनेस इंडिकेटर नहीं है। अब इस डायपर को मैं आप लोगों को अंदर से दिखाती हूँ। ये डायपर अंदर से बिल्कुल सिंपल है बट बहुत सॉफ्ट है, ना कोई जेल प्रोटेक्शन लेयर है ना ही कुछ और है, बट आप फील करोगे कि बहुत कॉटनी सॉफ्ट फील देगा आपको, बट बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रोटेक्शन लेयर या कुछ भी नहीं है। अगर इस डायपर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बात करें तो ये डायपर मेरी बेटी के लिए 4 से 5 घंटे तक ईजिली चल जाता है, और डायपर एरिया भी ड्राई रहता है, बिल्कुल गीला नहीं होता है। बट इस डायपर का ये जो आउटर कोटिंग है, आप देख सकते हो ये जो आउटर कोटिंग है वो बहुत पतला है, ब्रिदेबल है, ब्रिदेबल आउटर कोटिंग दिया गया है ताकि बच्चों के स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चों का स्किन हेल्दी रहे, कोई रैसेस वगैरह ना हो, और बच्चों का पी भी इस डायपर में क्विकली एब्जॉर्व हो जाता है ताकि बेबीज़ का स्किन हेल्दी रहे और डायपर एरिया भी ड्राई रहे। मेरी बेबी के लिए ये डायपर, जैसा कि मैंने कहा कि 4 से 5 घंटे तक ईजिली चल जाती है, बट 5 घंटे के बाद मैंने देखा है कि मेरी बेटी के केस में ये डायपर लीक करता है।
इस डायपर का एक और बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, वो यह है कि इस डायपर का जो लेंथ है उस हिसाब से इस डायपर का विथ मुझे छोटा लगा है। मेरी बेटी के केस में खास करके मुझे लगा है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इस वजह से इस डायपर को पहनाने के बाद वो जब एक्टिविटीज़ वगैरह करती है, जब खेल कूद करती है, तो पीछे का जो ये एरिया है वो ऐसे स्क्वीज़ हो जाता है, जिस वजह से बहुत परेशानी होती है। बट पैक में ही लिखा हुआ है कि ये जो डायपर है वो अंडरवेयर लाइक है, जिस वजह से इसका जो विथ है वो छोटा है लेंथ के हिसाब से। बट मुझे लगा है कि एक्सल साइज के हिसाब से इसका जो विथ है वो थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, बट मुझे लगा है कि लेंथ के हिसाब से और एक्सल साइज के हिसाब से इसका विथ थोड़ा सा छोटा है। अदरवाइज ये डायपर मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। बेला बेबी एक यूरोपियन ब्रांड है और इस पैक में 22 पैंट्स है और इसका MRP है 649 रुपीज़, मतलब कि एक डायपर का करीबन 29 रुपीज़ पड़ जाता है। और ये पैक मैंने फर्स्ट क्राई से परचेस किया है। तो अगर आप अपने बेबी के लिए बेला बेबी हैप्पी डायपर पैंट्स यूज़ करना चाहते हो तो ईजिली कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है। और आप फर्स्ट क्राई से भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट क्राई से परचेस किया है। आपको इसके अलावा अमेजोन में भी मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बस आपको इस वीडियो के नीचे जाना है, जो लाल सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। It is only one stupid, then go away.